हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ह्यूमन डिजीज, एक सामान्य और एक आम प्रॉब्लम जिसको कहते हैं बवासीर, जिसको इंग्लिश में पाइल्स के नाम से जाना जाता है। आप सभी ये नाम सुना होगा, आप सभी जानते हो, और लगभग अधिकांश जो जनसंख्या उनमें से आधी जनसंख्या इस प्रॉब्लम से ग्रसित अपने जीवन काल में कभी ना कभी हो जाती है। तो पहले ये एक निश्चित उम्र के बाद मोस्टली देखी जाती थी, लेकिन आज के दिन युवा भी इससे ग्रसित है, परेशान है। तो आज हम इस वीडियो में बवासीर के बारे में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहली बात आती है कि इसके उपनाम, यानी इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, या और बोलचाल की भाषा में या अलग अलग जगहों पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइल्स। तो बवासीर जिसको इंग्लिश में पाइल्स कह रहे हैं, तो ये पाइल्स भी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसको कहते हैं मस्से की प्रॉब्लम, यानी मस्सा हो गया, मस्से की प्रॉब्लम हो गई, मस्से की दिक्कत है, तो वो भी बवासीर की बात चल रही है। नेक्स्ट इसको अर्थ भी कहते हैं, अर्थ यानी इन मसों को अर्थ भी कहा जाता है। इन मसों को होमोरॉइड, इनको होमोरॉइड के नाम से भी जाना जाता है, और महेशी, महेशी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और जाना जाता है इसको मूल व्याधि। तो ये कुछ नाम हो गए हैं, एक दो तीन चार पांच छ और सात। तो ये नाम आपने कोई सा नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वो सारे एक ही बात, यानी एक ही विषय के बारे में चर्चा हो रही है, वो है बवासीर। यानी उसको पाइल्स कह दो, मत्स्य की प्रॉब्लम कह दो, अर्स की प्रॉब्लम कह दो, होमोरॉइड की प्रॉब्लम कह दो, या महेशी कह दो, या मूल व्याधि कह दो, तो ये सब एक ही है और ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो इन सब नामों से इस चीज को जाना जाता है। अब मैं इनका परिचय आपको देना चाहूंगी, ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है। तो बात करते हैं इस परिचय की। तो परिचय का मतलब ये है क्या, जो ये प्रॉब्लम है ये क्या है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो मलाशय है, रेक्टम जिसको कहते हैं, जहां मल इकट्ठा होता है अस्थायी तौर पर, उसको मलाशय कहते हैं। उसमें क्या हो जाती है, सूजन, जलन और दर्द। तो मलाशय में जब हम बैठते हैं तो वहां हमको वहां सूजन भी महसूस होती है, वहां एक जलन लगातार बनी रहती है और पीड़ा भी होती है। साथ में ही जो हमारा गुदा है, जिसको एनस कहते हैं, जो गुदा है उसमें बेचैनी और दर्द और रक्त स्त्राव। तो एक जो मोटी सी परिभाषा निकल के आती है, वो आती है कि मलाशय के अंदर सूजन, जलन और दर्द महसूस होता है, और साथ में जो गुदा होता है, एनस जो होता है, उसमें असहजता यानी बेचैनी, दर्द और रक्त स्त्राव होता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं मोटे मोटे अक्षरों में। अब बात करते हैं कि थोड़ा और अगर हम गहराई में जाना चाहें कि ये क्या है, तो कहने मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो ये मलाशय है जो हमारे पाचन तंत्र का भाग है, बड़ी आंत का भाग है, और जहां क्या इकट्ठा किया जाता है, मल अस्थायी तौर पर यहां रुकता है। अब यहां से एक नाल लगभग 3 से 8 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, जिसको गुदा नाल कहते हैं, और गुदा नाल की जो ओपनिंग होती है, या आहार जो एंडिंग पॉइंट है, जो ओपनिंग है जिसके द्वारा जो मल का एग्जिट किया जाएगा, उसको हम कहेंगे गुदा यानी एनस। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस भाग से जुड़ी हुई है, यानी मलाशय से, गुदा नाल से और गुदा से, यानी जो ये
होमोरोइड जो मस्से होते हैं वो यहाँ कहीं भी हो सकते हैं, अंदर बाहर या इस ओपनिंग पर कहीं भी हो सकते हैं, तो यहां से ये जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम है। अब बोलचाल की भाषा में इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। एक को तो कहते हैं खूनी बवासीर और एक को कहते हैं बादी बवासीर। खूनी और बादी बवासीर आम चाल जो बोलचाल की भाषा में इसके दो मुख्य जो प्रकार देखे जाते हैं, एक को कहते हैं खूनी बवासीर और एक को कहते हैं बादी बवासीर। नाम से पता चल रहा है, देखो इसमें क्या होता है, दर्द होता है और रक्त स्त्राव होता है, या रक्त बूंद बूंद भी हो सकता है और एक धार के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ दर्द के साथ रक्त स्त्राव होता है, लगातार ब्लड निकलता रहता है और जिससे ब्लड की कमी होने से व्यक्ति को कमजोरी भी महसूस होने लग जाती है, तो क्रिटिकल प्रॉब्लम है। बादी बवासीर इसमें जो हेमोरॉइड जो मस्से बनते हैं वो काले बनते हैं और यहाँ लाल लाल फोले से बनते हैं, वो रक्त के थक्के से बन जाते हैं। या जो होमोरॉइड या जो मस्से होते हैं वो काले होते हैं और इनमें क्या होता है, दर्द होता है, इनमें क्या होती है, जलन होती है और इनमें क्या होती है, सूजन होती है। तो बादी वाली बवासीर जिसमें क्या होता है, काले रंग के मस्से बनते हैं, उनमें दर्द होता है, उनमें जलन होती है, उनमें सूजन आ जाती है। और खूनी जो बवासीर होती है उसमें रक्त स्त्राव होता है और काफी असहनीय पीड़ा होती है। तो इस प्रकार बोलचाल की भाषा में इसके दो प्रकार बताए गए हैं। अब आप बताओगे कि कहां से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो देखो क्या होता है, हमारा जो गुदा होता है ये गुदा नाल हो गई और ये गुदा हो गया और यहां से क्या जुड़ा हुआ है, मलाश से, जहां मल इकट्ठा होता है, पीछे से ही आपकी बड़ी आंत का भाग है, तो पीछे बड़ी आंत है। तो यहाँ क्या होता है कि मल के निष्कासन को नियंत्रित करने वाली तीन बालियां यानी जो छल्ले वो पाए जाते हैं और उन छल्लों को कहते हैं विसर्जनी, प्रवाहिणी और सवर्णी। तो वो जो बालियां है जो यहाँ जो छल्ले से होते हैं जो मल के निष्कासन को नियंत्रित करती है, जो पेशियां जो वाहिकाएं होती हैं उनमें होमोरॉइड हो सकते हैं, साथ में यहाँ के ऊतक है, यहाँ की जो नसें हैं, यहाँ की जो वाहिकाएं हैं और मोस्टली गुदीय सिराएं, यानी गुदा में जो सिराएं होती है, धमनी सिरा आपने नाम सुना होगा, तो सिराएं वे होती है जो ब्लड को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, तो गुदा में पाए जाने वाले सिराओं को हम कहते हैं गुदीय सिराएं। तो यहाँ जो गुदा में जो सिराएं पाई जाती है वो थोड़ी सी क्या होती है, बाहर होती है, अंदर ज्यादा दबी हुई नहीं रहती है। जब कभी कोई तनाव या जब प्रेशर लगातार यहाँ फील किया जाता है, लगातार यहाँ तनाव रहता है, तो ये गुदीय जो सिराएं हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाती है, वो मतलब उनमें सूजन आकर वो बाहर लटक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि मस्सा हो गया है, होमोरॉइड हो गए हैं यानी बवासीर हो गई। तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ की जो ऊतक है, वाहिकाएं, नसें, गुदीय सिराएं, जो मल को नियंत्रित करने वाली वाहिकाएं जैसे विसर्जनी, प्रवाहिणी और सवर्णी जो पेशियां हैं, उनमें क्या है कि जब तनाव होता है, लगातार यहाँ तनाव फील किया जाता है किसी कारणवश, अभी हम उन कारणों को भी जानेंगे, तो लगातार जब तनाव यहाँ रहता है जिससे क्या होता है वो उस तनाव को झेल नहीं पाते हैं और वो उनमें सूजन आकर वो बाहर निकल आते हैं, लटक जाते हैं और फिर वो जब घातक स्थिति में आ जाते हैं तो वहां ब्लड स्त्राव हो सकता है, जलन हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। वैसे ये ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, यह आसानी से सही हो सकता है कुछ उपायों द्वारा, और जब इसको लापरवाही कर ली जाए या इसका वक्त पर हम इलाज ना कराएं तो ये गंभीर स्थिति में थोड़ी सी घातक हो जाती है, काफी पीड़ादायक और काफी ऐसे ही बेचैनी वाली हो जाती है और इसका इलाज लगभग पॉसिबल है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जो बचाव के जो उपाय बताए जाते हैं उनको अच्छे से डॉक्टर की सलाह से मान लेने चाहिए। अब बात करेंगे इनके प्रकार की कि ये कितने प्रकार की हो सकती है। तो बवासीर अभी मोटी मोटी जो बात बताई, दो खूनी और बादी वाली, लेकिन मुख्यतः इसके जो प्रकार है वो चार प्रकार की होती है। बवासीर है वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है।
पहला इसमें होता है अंदरूनी, अंदरूनी बवासीर यानी इंटरनल होमोरोइड, यानी नाम से पता चल रहा है अंदरूनी यानी आंतरिक बवासीर यानी होमोरोइड। तो यहाँ आपका मलाशय, ये गुदा नाल, ये गुदा, तो ये गुदा नाल में या मलाशय के क्षेत्र में यहां होती है। तो यहाँ जो मस्से होते हैं, जो होमोरोइड होते हैं, वो बाहर से नजर नहीं आते, जो अंदर ही रहते हैं और नॉर्मली ज्यादा घातक नहीं होते हैं, ज्यादा तकलीफ देने वाले नहीं होते हैं, और कुछ सामान्य बदलाव जिन जो हमारे जीवन शैली उसको बदलाव करके हम इस पर आसानी से काबू पा सकते हैं, इलाज इसका पॉसिबल है, और ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, अंदर होते हैं, इस क्षेत्र में होते हैं, गुदा नाल या मलाशय में होते हैं, और बाहर से गांठें दिखाई नहीं देती है, और ज्यादा तकलीफ देने वाली ये स्थिति नहीं है, और आसानी से इसका इलाज हो जाता है। तो ये हो गई अंदरूनी बवासीर, जो एक नॉर्मल होता है, आसानी से हो जाता है इसका इलाज। दूसरी आती है बाहरी, बाहरी यानी कि दूसरा इसका रूप बाहरी या बाह्य बवासीर, तो नाम से विदित हो रहा है बाहरी यानी बाहर, यानी यहाँ जो गुदा की जो ओपनिंग है, जिसके यहाँ जहां से मल का निष्कासन होता है, वो वाला भाग जहां से मल एग्जिट होता है, उस भाग पर ये होता है यहाँ। तो यहाँ मत्स्य हो जाते हैं, होमरोइड्स हो जाते हैं, उनको हम बाह्य या बाह्य बवासीर या बाह्य या बाहरी बवासीर कहते हैं। ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, और इसका भी आसानी से कुछ खान पान, कुछ दिनचर्या बदलाव, कुछ योग अभ्यास करके इस पर भी काबू पाया जा सकता है, और ये जो गांठें हैं वो हमको बाहर से दिखाई देती है, इसमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसमें जो होमरोइड्स होते हैं, जो मस्से होते हैं, बाहर से आसानी से देखे जा सकते हैं, और ये भी ज्यादा तकलीफ नहीं लेते, आसानी से धीरे धीरे ये भी क्या हो जाती है, सही हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो मत्स्य होते हैं वो गांठ का रूप ले सकते हैं एक निश्चित समय बाद में। तीसरा रूप आता है यहाँ, वो आता है प्रो लेफ्ट, प्रो लेफ्ट बवासीर। तो प्रो लेफ्ट बवासीर का नॉर्मल सा अर्थ निकलता है कि जब अंदरूनी जो मत्स्य होते हैं, जो हेमोरॉइड होते हैं, जो अर्थ होते हैं, वो फूल कर उनमें सूजन आकर अगर वो बाहर निकल आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रो लेफ्ट बवासीर, अंदरूनी बवासीर। अंदर जो मस्से बने, जो अर्श बने, वो फूल के सूजन उनमें आकर वो बाहर निकल आते हैं, उनको बोल देते हैं प्रोलेप्स्ड बवासीर। चौथा जो रूप होता है वो होता है खूनी बवासीर, तो नाम से पता चल रहा है, इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मोस्ट जो दो प्रकारों में आता है। तो यहाँ क्या होता है, खून का रक्त स्राव होता है धार के रूप में, बूंद बूंद करके खून निकलता है, और जो है वो आपके रक्त के थक्के बन जाते हैं, गांठें बन जाती है, मस्से बन जाते हैं, हेमरॉइड बन जाते हैं, जो बाहर से आसानी से दिखाई देते हैं, काफी दर्द होता है, जलन होती है, पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्थिति इसको माना जाता है। तो इसमें खून जो है वो लॉस होता है, लगातार आदमी बैठता है तो लगातार वो बैठ नहीं पाता है, और बैठे बैठे खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं खूनी बवासीर। तो ये चार प्रकार हो गए इसके मुख्यतः। अब बात करेंगे इसके चरण, यानी ये कैसे बनता है। तो इसमें आपको चार चरण मिलेंगे, चार ग्रेड में ये बनती है बवासीर। पहला जो चरण है फर्स्ट, उसमें क्या होते हैं, जो अंदर के जो अर्श होते हैं, जो मस्से होते हैं, जो होमरेड होते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, यानी मल त्याग के दौरान जब तनाव या दबाव लगाया जाता है तो वो बाहर नहीं आते, अंदर रहते हैं, और हल्का फुल्का दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है। सेकेंड जब ग्रेड में चला जाता है, सेकेंड स्टेज में चला जाता है, दूसरा जब चरण आता है, तो अंदर के जो मस्से होते हैं, जो होमोरोइड्स होते हैं, जो अर्श होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मल का जब निष्कासन किया जाता है, तो मल के साथ वो भी क्या है, बाहर निकल आते हैं, और मतलब जो तनाव कारण वो भी बाहर आ जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिक अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, इसमें क्या होता है, अंदर के जो होमोरोइड होते हैं, जो मस्से होते हैं, और जब मल का निष्कासन किया जाता है, मल त्याग किया जाता है, सोच के दौरान वो बाहर आ जाते हैं, और वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, उनको अंगुली का सहारा देकर उसको अंदर भेजा जाता है। और लास्ट चरण आता है, तो होता है उसमें क्या होते हैं, अंदर के जो मस्से होते हैं, जो होमरोइड होते हैं, वो सोच के दौरान बाहर आ जाते हैं, और अंगुली से दबाने के दौरान भी अंदर नहीं जाते हैं। तो ये तो होता स्थिति, थोड़ा सा सबसे गंभीर स्थिति हो जाती है।
तो इस प्रकार इन चरणों में ये होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम कारण जानेंगे कि किन कारणों से बवासीर है वो हो जाती है, पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो बात करेंगे कुछ कारणों की। तो कारणों में पहला कारण आता है आनुवांशिक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चल सकता है कि किसी के जनकों में यानी माता पिता में प्रॉब्लम है तो संतान में वो जाता है या चला जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आनुवांशिक हो सकता है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा मोटापा, तो मोटापा भी एक कारण हो सकता है कि मोटापा यानी वजन बढ़ने से क्या होता है, तनाव फील किया जाता है यानी हिप वाले क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है, जिससे होमोरॉइड यानी बवासीर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें बताऊं तो वह बढ़ती उम्र, तो उम्र के हिसाब से भी काफी बदलाव होते हैं शरीर में, तो भी बवासीर की प्रॉब्लम एक 40-50-60 साल की उम्र के बाद ये हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो गर्भावस्था, तो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जब शिशु का ग्रोथ होता है उनके यूटेरस में, तो काफी तनाव फील होता है हिप वाले क्षेत्र में, तो वहां अस्थायी तौर पर बवासीर होती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद वो सामान्य हो जाता है, यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम नहीं है, अस्थायी बवासीर उनमें होती है। नेक्स्ट कारण होता है इसमें सबसे मोटा जो कारण है वो है कब्ज, कब्जी जिसको आप कहते हो, तो सबसे मोटा इसमें जो कारण माना गया है वो है कब्ज। अब कब्ज क्यों, क्योंकि कब्ज का देखो क्या है, कब्ज क्या है इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वो आप पूरे से पढ़ लेना देख लेना तो आपके समझ में आ जाएगा। हम थोड़ी सी बात करेंगे कब्ज के बारे में। कब्ज में क्या होता है, जो हमारा मल होता है वो गाढ़ा सख्त और कठोर हो जाता है, और व्यक्ति संतृप्ति के साथ तृप्ति के साथ मल का निष्कासन नहीं कर पाता है। तो जब गाढ़ा सख्त और कड़ा जब मल हो जाता है तो उसको बाहर एग्जिट करने में या मल त्याग करने में व्यक्ति को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको पखाने के ऊपर काफी समय तक लंबे समय तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है और काफी तनाव और दाब देना पड़ता है, तब जाके वो सख्त जो गाढ़ा जो मल होता है वो बाहर निकलता है, निकलता भी पूरी तरह से नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है, हम तनाव की बात जो पहले कर रहे थे कि जो बुद्धिये जो सिराएं होती है उनमें तनाव होता है, तो ये लगातार ऐसे उकड़ू बैठे रह रहे हैं और दबाव लगा रहे हैं, तनाव लगा रहे हैं, वो मल भी इतना सख्त और कठोर है, तो वो क्या है अंदर की जो सिराएं हैं, जो वाहिकाएं हैं, जो नलिकाएं हैं, जो नसें हैं, उन पर दाब डालता है और जो है उनकी स्थिति को ये बिगाड़ देता है। तो सबसे मोटा इनमें माना जाता है कब्ज। तो इससे बचना है तो कब्ज पर काबू पाना जरूरी हो जाता है, तो कब्ज वाला वीडियो देख सकते हो, उस पर हमने सारा डिटेल बात इस पर की है। तो ये इस पर एक सबसे मोटा कारण इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, नेक्स्ट कारण हो सकता है लगातार लंबे समय तक काफी दिनों तक खड़े रहना। काफी दिनों का मतलब है कि हमारा काम कुछ ऐसा है कि खड़े रहने का हमको काम करना पड़ता है, तो 8-10 घंटे तक लगातार हम खड़े रह रहे हैं, बीच में ब्रेक वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो लगातार खड़ा रहना भी बवासीर को न्योता दे सकता है, और लगातार लंबे समय तक काफी दिनों तक बैठे रहना भी इसमें बवासीर को न्योता दे सकता है। यानी हमारा काम कुछ ऐसा है कि कंप्यूटर के सामने हम लगातार लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वो भी कई दिनों तक, क्योंकि हम काम करेंगे हर दिन हमको वैसे ही करना पड़ेगा और हमारी चेयर भी गद्देदार नहीं है, एकदम सख्त है, तो बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें कारण जो होता है वो होता है भारी वजन उठाना, और भारी वजन उठाना और वो भी लगातार उठाना कई दिनों तक, यानी हमारा काम कुछ ऐसा जिसमें हमको लगातार भारी वजन हर दिन उठाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बुद्धि क्षेत्र में तनाव फील होता है, और तनाव के कारण जो नसें होती है, जो वाहिकाएं होती है, जो बुद्धि सिराएं होती है, वो उनमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट इसमें कारण होता है रसायुक्त आहार का भोजन नहीं करना, यानी रसायन जिनको रेफेज कहते हैं, जो मल के निष्कासन में मदद करते हैं, जो रुक्सांस होते हैं, और वो हमको साबुत अनाज से छिलकेदार जो सब्जियां होते हैं फल होते हैं वो खाने से मिलते हैं, जो मल के निष्कासन में मदद करते हैं, जिससे कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम वैसे ही आहार कम ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। तरल पदार्थ कम पी रहे हैं, सब्जियां जूस वगैरह कम पी रहे हैं और धूम्रपान वगैरह ज्यादा कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा लगातार आपको कोई पुरानी खांसी है तो लगातार आप खांसते रहते हो तो गुदे क्षेत्र में उससे क्या है कि तनाव फील किया जा सकता है, और अगर आप पखाने पर यानी मल त्याग के दौरान काफी लंबे समय तक बैठे रह रहे हो और मल
को निष्कासन करने के लिए, उसको एग्जिट करने के लिए काफी दबाव भी आप लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो, तो भी यह प्रॉब्लम होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और मूत्र में अगर कोई रुकावट है, मूत्र संबंधी को प्रॉब्लम है, तो भी यह समस्या हो सकती है। या आपको डायरिया यानी अतिसार की बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इसका होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, अतिसार और ये जो बवासीर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट से दूसरा रोग हो सकता है। तो ये कारण कुछ हो सकते हैं जिसके द्वारा आपको क्या हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। तो नेक्स्ट कारण हो सकता है इसका एनल सेक्स, गुदीय मैथुन। तो एनल सेक्स से भी क्या होता है, गुदी सिरों पर दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है। तो तनाव जैसी कोई भी चीज, वजन उठा रहे हो, लंबे समय तक खड़े रह रहे हो, बैठे रह रहे हो, कब्ज है, गर्भावस्था है, बढ़ती उम्र है, मोटापा है, अनुवांशिक कारण है, तरल पदार्थ कम ले रहे हो, योग वगैरह कम कर रहे हो, धूम्रपान वगैरह ज्यादा कर रहे हो, और कुछ आदतें आपकी गलत है, खान पान गलत है, तो इससे क्या है कि इसके होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और तो ये सब कारण हो सकते हैं इसके अंदर। अब बात करेंगे लक्षणों की, कि ये प्रॉब्लम होगी तो क्या लक्षण नजर आपको आ सकते हैं, या आप इसको कैसे पहचानोगे, तो लक्षणों के आधार पर पहचानोगे। तो 1 महीने पहले या कुछ दिनों पहले हमको कुछ संकेत मिलते हैं इसके कि बवासीर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जो संकेत मिलते हैं वो क्या मिल सकते हैं, कि जो गुदीय क्षेत्र होता है उसमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो गुदीय क्षेत्र में लगातार या ज्यादा क्या आना, पसीना आना। दूसरा, गुदीय क्षेत्र जो गुदा होता है उसके आसपास क्या होना, बहुत ज्यादा खुजली होना, ये पहले के संकेत है। तो गुदीय या गुदा जो है, जो गुदा है, एनल है, एनस हमारा, उसमें लगातार क्या होना, खुजली होना। और जो मल है उसमें काफी भयंकर ज्यादा बदबू आना, ये शुरुआती कुछ संकेत है। तो मल में ज्यादा भयंकर बदबू आना और अपच की स्थिति होना, कि पाचन संबंधित गड़बड़ होने लग जाती है, कब्ज रहना। तो पसीना, गुदीय क्षेत्र में ज्यादा पसीना आना, वहां लगातार खुजली होना, मल में बहुत ज्यादा खतरनाक बदबू आना, अपच की स्थिति होना, कब्ज होना, या आपके ऐसी कुछ, ये कुछ संकेत है जो, ये कुछ संकेत करते हैं ऐसे बवासीर होने के कुछ समय ही पहले, ऐसे कुछ संकेत होने हमको मिल जाते हैं। और लगातार बार बार क्या करना, शौच करना, दिन में 4-5 बार शौच कर देना। तो ये तो कुछ संकेत है। अब बात करें लक्षणों की, कि लक्षण क्या हो सकते हैं, कि अब हो गया तो क्या लक्षण नजर आएंगे। तो कुछ लक्षण आपको पता चल गए हैं, कि जब आदमी बैठता है तो गुदा में और जो मलाशय होता है उसमें बेचैनी होता है, उसमें दर्द होता है, उसमें जलन होता है। जब आदमी मल का त्याग करता है तो काफी मात्रा में उसको पीड़ा होती है, जलन होती है, बेचैनी होती है। गुदीय जो क्षेत्र है उसमें असहजता, बेचैनी, जलन, दर्द, पीड़ा का महसूस वो आदमी करता है। और गुदा के आसपास जब उनको फील किया जाता है, वहां छुआ जाता है, तो वहां गाढ़ा गांठ जैसा महसूस होता है, और उसको दबाने से दर्द भी होता है, उसमें जलन भी होता है, उसमें रक्तस्राव भी हो सकता है। और लगातार वहां क्या होती है, खुजली होती रहती है, जिससे व्यक्ति लगातार खुजाता रहता है और खुजा खुजा के ब्लड भी निकाल लेता है। और जब आदमी मल का निष्कासन करता है या शौच के दौरान क्या करता है, तो उसमें क्या है, पीड़ा तो होती है, साथ में व्यक्ति के रक्त स्त्राव होने लग जाता है। तो एक चमकीला लाल जो है ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है, जो बूंद बूंद के रूप में, धार के रूप में निकल सकता है। व्यक्ति को शौच करने के बाद भी, मतलब फ्रेश होने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी वो पूरी तरह से तृप्ति के साथ, उनमें मतलब पेट उनका साफ नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, ऐसा लगातार उसको फील रहता है, ऐसा महसूस उनको बना रहता है। बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन जब वहां बैठता है पखाने पर तो वो मल का एग्जिट होता नहीं, यानी मल निकलता नहीं। तो ऐसे ही वो कुछ मतलब चक्रियों में फंस जाता है। तो ऐसे कुछ लक्षण आपको नजर यहाँ आ सकते हैं, ये कुछ शुरुआती जो संकेत वो हो सकते हैं, कि बैठने में बेचैनी हो रही है, मलाशय में बेचैनी हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, रक्त स्त्राव हो रहा है, और वहां छूने से गांठ जैसा फील हो रहा है, उस गांठ में दर्द भी हो रहा है, वहां से रक्त स्त्राव भी हो रहा है, बार बार मल जाने की इच्छा, मतलब शौच की इच्छा हो रही है, लेकिन मल बाहर एग्जिट नहीं हो रहा है, शौच करने के बाद भी मतलब पेट भरा भरा सा फील हो रहा है, अपच की स्थिति बनी हुई है, कब्ज की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां खुजली आ रही है,
ऐसे कुछ लक्षणों से आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट लक्षण आप देख सकते हो कि गुदा में म्यूकस का स्त्राव होने लग जाता है। म्यूकस यानी श्लेष्मा, यानी मल के साथ श्लेष्मा आने लग जाता है, मल के साथ खून आने लग जाता है, और वो खून थोड़ा चिकना टाइप का होता है और वो गांठे सी बन जाती है, होमरोइड बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, तो वो बैठने में खड़े रहने में दिक्कत करते हैं। शौच के दौरान वो हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो इन लक्षणों के आधार पर इसको आप पहचान सकते हो। अब बात करेंगे इलाज की, उपचार की, घरेलू इलाज, तो हम साथ में ले लेते हैं। इसका उपचार क्या करेंगे या इसका इलाज क्या है या इसका घरेलू इलाज क्या है, तो हम कुछ बातें जो इकट्ठी की है हमने वो बता रहे हैं। जब भी आप घरेलू वगैरह इलाज करो तो अपने डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेनी है। तो शुरुआत करते हैं इनकी कि क्या आप कर सकते हो, क्या कुछ इलाज या घरेलू इलाज इसमें आप कर सकते हो, उपचार अपना सकते हो। तो आपको क्या करना है, लगातार खूब सारा पानी पीना है, तरल पदार्थ जीवन में पीते रहना चाहिए। हर दिन 2-2.5 लीटर तरल पदार्थ पीना चाहिए, जूस के रूप में, पानी के रूप में, जो भी आप कैसे भी उसको पी सको पीना चाहिए। जिससे क्या है कि आपके मल लगातार अच्छे से एग्जिट होता रहेगा और कब्ज की समस्या नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगी। साथ में रेशे युक्त आहार लेने चाहिए आपको, जिससे हमको फाइबर्स मिले, और फाइबर युक्त हमको आहार लेने चाहिए। जैसे ओट्स है, जैसे आपके साबुत अनाज है, कई ऐसे फल है या सब्जियां जिनको उनका छिलका युक्त खाना चाहिए। छिलके में रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो वो रेशे युक्त आहार लेना चाहिए, जिससे क्या है कि कब्ज की समस्या नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगी। अगर कब्ज की समस्या है तो त्रिफला चूर्ण ले सकते हो आप, हरड़ ले सकते हो, अंजीर ले सकते हो। तो ये क्या है, कब्ज को हराने वाली चीजें होती है, त्रिफला का चूर्ण, हरड़, अंजीर। तो अगर कब्ज हार गई तो बवासीर होने का खतरा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, जो गुदा नाल है या गुदा है उसकी अच्छे से क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। कई बार सफाई अच्छे से नहीं होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कोई संक्रमण वगैरह भी हो सकता है। तो गुदा की अच्छे से क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। खूब सारा पेय पदार्थ आपको पीना चाहिए, पानी, जूस वगैरह, और फल खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां आपको खानी चाहिए, ये कर सकते हो। लगातार लंबे समय तक शौच के दौरान आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, जिससे तनाव लगता है। तो लगातार लंबे समय तक शौच पर ना बैठे रहें। साथ में शौच करते वक्त ज्यादा तनाव या फ्रेश या दाब ना लगाएं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या इलाज, ये एक उपचार ही है। साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो रात को सोने से पहले जो आपके इस सब गोल होती है, इस सब गोल की जो भुस्सी होती है, इस सब गोल की भुस्सी आती है मार्केट में मिलती है, इस सब गोल की भुस्सी की 2 चम्मच पानी के साथ लेने चाहिए। जो ये क्या करता है, मल के निष्कासन को आसान करता है, जिससे क्या है कब्ज वगैरह या ये प्रॉब्लम हो गई तो जब मल थोड़ा सा चिकना और सॉफ्ट हो जाता है तो ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, ज्यादा जलन पीड़ा वगैरह नहीं होती है। तो ये आप सेवन कर सकते हो रात को सोने से पहले, पानी के साथ 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी लेना अच्छा माना गया है। और क्या कर सकते हो, इलायची, इलायची तो इलायची को थोड़ा सा भून ले और उसका पाउडर पीस कर उसको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, वो भी आपके बवासीर में काफी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट छाछ, ये सबसे अच्छा इलाज है। इसमें छाछ है तो मट्ठा या जो लस्सी आप कहते हो, उसमें आपको पीसा हुआ जीरा लेना है और नमक लेना है, और इसका एक घोल बनाकर, एक मिश्रण बनाकर, जब भी आपको प्यास लगे ये घोल ही पीना चाहिए। और लगातार 5-7 दिन तक आपको यही घोल पीना है लगातार। थोड़ा बहुत पानी भी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्यादा इसी को सेवन करना है। तो ये इसके इलाज में बहुत अच्छा माना गया है, काफी इससे फायदा होता है। जो होमरोइड है, जो मस्से जो बाहर निकले हुए हैं, उन पर ग्लिसरीन और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह का मिश्रण बनाकर लगाकर उस पर पट्टी करनी चाहिए। साथ में जो होमरोइड जो बाहर निकले हुए हैं उस पर अरंडी और नीम का तेल भी लगाया जा सकता है। साथ में ही आप और क्या कर सकते हो, जो हमारे किशमिश होते हैं, जिसको किशमिश को रात को अच्छे से भिगो देना चाहिए,
सुबह जो फूले हुए जो किशमिश है उनको दो चार उनका सेवन करना चाहिए लगातार कुछ दिनों तक। और फूले हुए इसमें खजूर भी काम आ सकते हैं, तो भिगोए हुए जो रात को भिगो दें सुबह उनको ले सकते हैं। साथ में जो आम की गुठली का आंतरिक भाग होता है और जामुन की गुठली का आंतरिक भाग, उनको बाहर निकाल कर सुखा कर उनका मिश्रण बनाकर पानी के साथ लिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? हिप स्नान। तो हिप स्नान का मतलब है कि पानी और सेंधा नमक मिलाकर अपने कुल्लों को उसमें अच्छे से डुबोकर कुछ समय तक बैठना चाहिए, उसको हिप स्नान बोलते हैं। कुल्ले उसमें अच्छे से डूब जाना चाहिए, तो हिप स्नान लेना चाहिए। साथ में बर्फ से सेक करना चाहिए, बर्फ से सेक। तो बर्फ से सेक करने में काफी आराम मिलता है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो शहद प्लस तिल का सेवन करना चाहिए। तो शहद और तिल का सेवन करने से ब्लीडिंग कम हो जाती है, ज्यादा जलन वगैरह नहीं होती है। और शहद प्लस कुछ मात्रा में दालचीनी का भी सेवन किया जा सकता है इसके अंदर। और आपको क्या है, एनल सेक्स वगैरह से बचना चाहिए। और सबसे हर रोग की जो दवा है वो है योग, योग एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना चाहिए। कई सारे जो कपालभाति वगैरह, अनुलोम विलोम या कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए या योग व्यायाम करना चाहिए। अपने जीवन को इस तरह यापन नहीं करना है, कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो हर मरज की दवा योग होता है, तो योग वगैरह करते रहना चाहिए। तो इसमें भी वो काफी फायदेमंद होता है, काफी लाभ व्यक्ति को मिल सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें प्याज भी अच्छे माने जाते हैं, प्याज खा सकते हो। साथ में कुछ फल आपको बहुत सारे जो है वो खाने चाहिए, उनका जूस लेना चाहिए। छाछ दही भी इसमें अच्छा माना जाता है, लगातार दही का सेवन करना चाहिए। लगातार दही का सेवन करोगे तो बवासीर जैसी समस्या होगी नहीं। कब्ज को तोड़ना है कुल मिला के बाद, और कब्ज को तोड़ना है तो ऐसे आहार आपको ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। जिसी फल और सब्जी का छिलका खा सकते हो खा लो, साबुत अनाज खा लो, जो छिलकों में रेशे होते हैं उनको आप सेवन कर लो, कब्ज नहीं होगी तो बवासीर भी नहीं होगी। और ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें ये कर सकते हो। ठंड करने वाली चीजें आप ले सकते हो ज्यादा, और ज्यादा तला हुआ भुना हुआ जो गरिष्ठ भोजन है, ज्यादा मसालेदार जो भोजन है वो आपको नहीं करना है। जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह भोजन आपको ज्यादा नहीं लेना है, लिमिट लेना है। तो उससे क्या है कि ये चीजें होने का खतरा काफी कम हो जाता है। यहाँ शहद तिल नहीं है, यहाँ मक्खन और तिल है। तो मक्खन और तिल का सेवन करने से क्या है कि ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह होने से व्यक्ति क्या अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है, लॉस हो जाता है। तो मक्खन और तिल का सेवन करने से क्या होता है, ब्लीडिंग कम होती है। अगर इन सब से भी मामला हमारा नहीं बैठता है या थोड़ी हालत क्रिटिकल हो गई तो फिर हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर इसमें कई सारी दवाएं देता है जिससे क्या है, मल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो आसानी से एग्जिट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें आराम मिल सकता है। या उसमें कुछ आपको कुछ लोशन या कुछ क्रीम देता है जिसको क्या है कि रात को सोने से पहले या सुबह मल त्याग करने से पहले उनको जो गुदा नाल होती है उसमें लेपन किया जाता है, उसको अंदर मतलब प्रवेश करवाया जाता है, उस लेपन कराया जाता है, या जो क्रीम लोशन जो दिया जाता है उसकी अंदर मतलब उनको प्रवेश कराया जाता है। इससे क्या है मल का निष्कासन आसान हो जाता है, और मतलब साइड में जो खरोंचे वगैरह नहीं लगती है सख्त गाढ़े मल से, तो ये तो गंभीर रूप नहीं ले पाता है। अगर फिर भी नहीं बैठ रहे, मस से जो हो गए काफी बार बाहर निकल आए, काफी बड़े हो गए, गांठ का रूप ले लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसमें कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो सूख कर हट जाते हैं, या उसमें विशेष उपकरण द्वारा रबड़ के छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं तो उनका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और फिर वो सूख कर अलग हो सकते हैं, या उनको विद्युत द्वारा जला दिया जाता है, या अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है अवरक्त किरणें से उनको नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे उपाय करके उनको वहां से हटाया जाता है, सर्जरी द्वारा मतलब उन मसलों को हटाना है। तो उसमें कई सारे उपाय अपनाए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन, रबड़ के छल्ले आपके विद्युत द्वारा जलाना, अल्ट्रावायलेट किरणें काम में लेना, तो या लेजर द्वारा उनको नष्ट किया जाता है। और उनको नष्ट कर दिया और कुछ हम हमारी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, कुछ खान पान में बदलाव करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उनके होने के खतरे कम हो जाते हैं, वो रिपीट नहीं होंगे, वैसे रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे कुछ बदलाव करके, योग करके, या आप इसमें बवासीर की प्रॉब्लम में ज्यादा ग्रसित हो रहे तो आप उस दौरान थोड़ी सी उपवास वगैरह भी कर लेना चाहिए।
वो भी अच्छा होता है। तो ऐसे कुछ करके आप इसमें उस पर काबू पा सकते हो, ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। समय रहते कुछ जीवन में कुछ बदलाव करके आप इस पर आसानी से काबू पा सकते हो, और फिर भी नहीं है हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से इस पर आसानी से इलाज इसका पॉसिबल है। धन्यवाद।